अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, हम देख रहे हैं जमात हफ्तुम का सबक नंबर 10, मराठा हुकूमत की तौसी का अगला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। प्यारे तलबा, जैसे कि पिछले हिस्से में हमने देखा था कि शहजादा आजम शाह ने महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के दरमियान झगड़ा लगाने की नीयत से, झगड़ा लगाने के मकसद से शाहू महाराज को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया था। जब शाहू महाराज को कैद से रिहाई मिली तो शाहू महाराज रिहाई मिलते ही महाराष्ट्र वापस आए। इनके वापस आते ही कुछ मराठा सरदार उनसे आकर मिले। शाहू महाराज के वापस आने के बाद मराठा सरदारों का उनसे आकर मिलना इस बात की दलील थी कि शाहू महाराज को छत्रपति बनाने की कोशिशें तेज हो गई, और शाहू महाराज का छत्रपति बनना महारानी ताराबाई को किसी हालत में भी कबूल नहीं था, मंजूर नहीं था। क्योंकि जब शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज का इंतकाल हुआ था तो छत्रपति राजाराम महाराज को बनाया गया था, जो संभाजी महाराज के छोटे भाई शिवाजी महाराज के दूसरे नंबर के बेटे थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद मामूली बीमारी की वजह से राजाराम महाराज का भी इंतकाल हो गया था। अब मराठा हुकूमत की सारी जिम्मेदारी राजाराम महाराज की बीवी महारानी ताराबाई पर आ गई थी, और वो अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी जस्तजू से, बड़ी कोशिशों से, जद्दोजहद से उसको पूरा कर रहे थे। अब शाहू महाराज कैद से वापस आ गए और अब वो खुद छत्रपति बनना चाहते थे, ये बात महारानी ताराबाई को कभी कबूल नहीं थी। इसी कशमकश के दौरान दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, यानी कि जो शहजादा आजम शाह ने सोचकर शाहू महाराज को छोड़ा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, यानी कि शाहू महाराज और रानी ताराबाई के दरमियान भीमा नदी के किनारे खेड़ के मकाम पर दोनों के दरमियान जंग हुई, और इस जंग में शाहू महाराज को फतेह हासिल हुई। अब फतेह हासिल होने के बाद वो छत्रपति बनने के लायक हो गए और उन्होंने अपने छत्रपति बनने का ऐलान कर दिया, और ऐलान के साथ साथ उन्होंने अपनी ताजपोशी की रस्म अदा करवाई। इसी तरह से जब सदारा पर कब्जा कर लिए तो छत्रपति का होदा उनका हो गया। अब इसके बाद उन्होंने ताजपोशी की रस्म भी अदा करवा दी। ताजपोशी की रस्म अदा करने के बाद उन्होंने सतारा जो मकाम है उसको अपनी राजधानी करार दी, यानी कि मराठा हुकूमत की राजधानी सतारा करार था। अब इसके बाद कुछ वक्त तक शाहू महाराज और रानी ताराबाई के दरमियान में मुखालिफत चलती रही, लड़ाई झगड़े चलते रहे, और इसी के चलते चलते रानी ताराबाई ने 1710 में, यानी सन 1710 में पन्हालागढ़ पर अपने कमसिन बेटे जिसका नाम शिवाजी दुवम को छत्रपति बनाने का ऐलान कर दिया, और इसी वक्त से मराठा शाही में सतारा के अलावा कोल्हापुर की भी आजाद रियासत वजूद में आई। अब हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि शाहू महाराज को मराठा हुकूमत की तौसी करनी थी, मराठा हुकूमत को परवान चढ़ाना था, बढ़ाना था, लेकिन इनके रास्ते में मुगल हुकूमत थी, और शाहू महाराज की तवील उम्र, बहुत ज्यादा उम्र मुगलों की छावनी में गुजरी थी। अब वो मुगलों के तमाम दाव पेच, उनकी कमजोरियां, उनकी ताकत, उनकी सियासी हिकमत अमलिया वगैरह तमाम बातों से इन तमाम बातों का इन्हें इल्म था, तमाम बातों को वो जानते थे, और उनको पता था कि उनकी कमजोरी कैसी है, उनकी कमजोरी कहाँ कहाँ है, ये तमाम बातों का इल्म उन्हें था। अब हालात ऐसे थे कि मुगल हुकूमत को अपने आसपास के राजाओं, ईरानी अफगानी हमलों से भी बचाव करना था, और शाहू महाराज को मराठा हुकूमत को तौसी देनी थी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, तो उस वक्त दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का
फैसला किया, यानी कि मराठा हुकूमत अपने फायदे के लिए और मुगल हुकूमत भी अपने फायदे के लिए दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया।